सही तीन लोक सरदार पानी से पैदा किए एक प्रभु बने गरीब चरण में प्रसन्न आपके बीच में रहेगा प्रसन्न सुदामा। और उस समय की बात होगी कि जिस समय सुदामा को टोटे ने घेर लिया, टोटे से जर्जर हालत हो जाती है सुदामा की। मिश्रानी ने कहा कि हे स्वामी, हे महाराज, घर में बालक भूखे हैं, देखी नहीं जा रही इनकी हालत। आप बताया करते थे कि मैं गुरुकुल में हम साथ पढ़े थे, श्री कृष्ण को अपना मित्र बताते थे। आज वो द्वारका के राजा बन चुके हैं, उनके पास में जाइए और अपनी जीविका चलाने के लिए उनके पास से कुछ लेकर के आइए। साथियों, मन में तो चाहना नहीं थी सुदामा की, लेकिन बालकों की तरफ देखा तो हृदय डगमगा जाता है। और चल दिए द्वारका की तरफ। जाते जाते मिश्रानी ने कुछ चावल दे दिए थे कि इतने दिन के बाद यार से मिलोगे तो खाली हाथ मत मिलना। जाकर के द्वारका की ड्यूटी पर पहुंचे, एक द्वारपाल मिला ड्यूटीवान। उस ड्यूटीवान से कहा कि मेरा नाम सुदामा है, श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, मिलना चाहता हूं, मिलने की आस लेकर के आया हूं। साथियों, हंसने लगा वो द्वारपाल और ये कहने लगा कि जाति से प्रतीत होता है आपके मस्तक के ऊपर तिलक लगा हुआ है, आप जाति से ब्राह्मण है। हे ब्राह्मण देव, आपको कुछ लेना है तो तिरोठी से मिल जाएगा, आप हमारे भगवान को अपना यार ना कहें। साथियों, ये कहता कि यार कहने की जरूरत नहीं है, यहां से वापस लौट जा, तुझे दक्षिणा चाहिए तो मैं दे सकता हूं। लेकिन साथियों, विश्वास दिलाया, निवेदन किया सुदामा ने कि तू जाकर एक बार कहते सही। दया आ जाती है, द्वारपाल जाकर के कहता है कि गरीब से आदमी फटे से कपड़ों में टूटी हुई जूतियों से बाहर गाड़ी पर खड़ा है, सुदामा अपना नाम बताता है। लोगो, सुदामा का नाम सुना श्री कृष्ण ने आसन छोड़ दिया, नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। जब दूर से देखा सुदामा को खड़े हुए तो आनंद होने लगे काया में, जब ब्राह्मण देव नजर आए, कमल जिसे कोमल ने नो मेरे लोगो एकदम मास भरे कौड़ी भर ली और कहा रे मेरे यार, इतने दिन से तू कहां था, तुझे देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। मेरे मित्र सिंहासन पर बिठाया, आंसुओं से चरण धोए, देख लिया श्री कृष्ण बहुत नटखट थे। साथियों, वो चावल खोज करके दो गल्ला चावल खा लिए। प्रेम प्रेम में जब तीसरा गल्ला मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो रुक्मणी ने हाथ को पकड़ा और कहा कि महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूं स्वामी कि आपने दो गल्ला चावल खाते के साथ दो लोग सुदामा को दे दिए, तीसरा गल्ला भी मार लिया तो सुदामा की हालत तो यह हो जाएगी जो आज हमारी हालत है, तीनों लोगों का नाथ हो जाएगा सुदामा और हम सुदामा की तरह जर्जर हालत में आ जाएंगे। साथियों, समय बीता, कुछ दिन बाद में कुछ कपड़े और लत्ते देकर के विदा कर दिया श्री कृष्ण ने सुदामा को। बार बार पीछे की तरफ मुड़ करके देखता सुदामा तो श्री कृष्ण मुस्कुरा जाते, लेकिन मन के अंदर एक बात थी, रे सुदामा
कैसा यार है, इतना गरीब होने के बाद भी एक पैसे का जिक्र नहीं किया, तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक बात के द्वारा क्या कहने लगे, क्या बताया इस नागरिक माध्यम से। पानी बदल जाती है साथियों। इस रागिनी की आपके बीच में एक कली मैंने प्रस्तुत करी है, ईमानदारी से वो लोग हाथ उठा करके बता दें जिसकी समझ में आए, हाथ उठा करके मुझे बता दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। कुछ ने तो बात सुनकर के अपने दिमाग में रख ली, लेकिन कुछ ने इस कान से सुनकर के इससे बात को बाहर निकाल दिया, जबकि मेरी रागिनी के बिल्कुल सीधे बोल है कि तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना, धन्य सुदामा टोटे मैं भी तेने सा भी मान गिराया ना। टोटे खोटे जबर घने में साथियों, टोटे में इंसान की रूह बिगड़ जाया करती है, बालक तक
धरवा तो ये पेट बेकार होगी। अपने पेट को पालने के लिए साथी बच्चों तक गिरवी धरवा देता है टोटे का मारा हुआ व्यक्ति। टोटे खोटे जबर घने में कौन सी बात सही को ना, और दानों तक मोहताज सुदामा ते कौड़ी पास रही को ना। सब दरिया तोके देखा माड़ी बात कही को ना, जितने दिन रहा मेरे धोरत ने अपनी हाल दल को ना। क्या बात है, सब ढाड़ा की कथा कही तुमने, सब ढाड़ा की कथा कही पर घर का हाल बताया ना। ए धन्य सुदामा टोटे मैं तने स्वाभिमान गिराया ना। पर रागनी पसंद आई हो तो जोरदार ताली आपके द्वारा जरूर चाहेंगे। चाहते दूसरी कली ने क्या बताया ना? सपने में मन तेरे से, सपने में मन तेरे से मिसलानी लड़की देख गई। भूख प्यास में हाँ तेरे बच्चों की मन आवरी उजड़ती देख गई। घर घर धक्के खाए रे तने, घर घर धक्के खाए तने तेरी हवा बिगड़ती देख गई। सुदामा मैं ये भी जानता हूँ कि तू यहाँ से बाहर निकलते के साथ मुझे गाली देनी शुरू करेगा और ये कहेगा रे मेरा मित्र तो था महाराज बड़ा फिरता है लेकिन मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दी। लेकिन साथियों सुदामा को विदा करते के साथ ही श्री कृष्ण भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और ये कहा रे विश्वकर्मा मेरा यार सुदामा दो लोगों का राजा हो गया है। सुदामा का तो इस बात का पता नहीं है लेकिन उसके लिए ऐसा महल तैयार करते जिसको देख करके ये संसार तंग रह जाए। साथियों कह दिया करते हैं कि भाई कैसा सुदामा से यारी है लेकिन कह ही देना बहुत आसान है।
कृष्ण सुदामा से यारी कोई मजाक खेल नहीं है साथियों। अंतिम और चौथी कली के अंदर ये कहा करे सुदामा, तू ये समझता है कि मैंने तुझे कुछ दिया नहीं है, लेकिन जाकर के एक बार विक्रम देश अपने देश में पहुंच करके देखना कि कृष्ण ने यारी निभाई है या नहीं निभाई। अंतिम और चौथी कली में एक एक पौर मोती की तरह लिखा विक्रम देश पहुंच मेरे में तनीर चंगे हाल बना चूंगा तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बनाऊंगा हीरे मोती करी रे मणि से हीरे मोती करी मणि से माला मन बना चूंगा दुनिया भर में यारी की एक गजब मिसाल attack kaise